हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द कूज इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म करने की ओर बढ़ गए हम लोग, है ना। एमओटी हमारा हो गया है और रेजोनेंसी हमारा हो गया है, डायपोल मोमेंट भी हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई। मतलब अब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बची, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, तो उनको ख़त्म करके फिर हम लोग गैसेस स्टेट नए लेक्चर नए चैप्टर पर बढ़ेंगे, ठीक है। गैसेस स्टेट भी चलेगा आपके, और साथ में एक और चैप्टर में सोच रहा हूँ, पैरेलल दो चैप्टर चले आपके ऑनलाइन में, तो जल्दी फास्ट कोर्स खत्म होगा आपका, क्लियर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी फोर्सेस, है ना। सेकेंडरी जो फोर्सेज होते हैं, मैंने आपको बताया था प्राइमरी फोर्सेज और सेकेंडरी फोर्सेज, तो ये सेकेंडरी फोर्सेज है जिसके अंदर आपको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वगैरह इस टाइप की चीजें मिलती हैं, वैन डर वाल फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी फोर्स एक तरीके का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको एच बॉन्ड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, एच बॉन्ड, क्लियर। एच बॉन्ड के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो होता क्या है और किन किन आयन किन किन मॉलिक्यूल्स में आपको मिलेगा, तो इसको ध्यान से देखना बच्चों। इट इज प्रेजेंट इन कोवेलेंट कंपाउंड्स ओनली, ठीक है। यह सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स में पाया जाएगा। इसका मतलब इट इज एब्सेंट इन आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड में यह नहीं पाया जाता है, ना के बराबर मिलता है, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड में भी कहां पे पाया जाएगा, यह पोलार कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी किसमें पाया जाएगा, यह पोलार कोवेलेंट कंपाउंड। इसका मतलब आप लोग यहां पर ही लिख सकते हो, इट इज एब्सेंट इन आयनिक कंपाउंड एंड नॉन पोलार कोवेलेंट कंपाउंड। ये पोलार नॉन पोलार क्या होता है, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है। डायपोल मोमेंट के अंदर पोलार कौन होगा, नॉन पोलार कौन होगा, क्लियर। तीसरी बात, ये सिर्फ वहीं पर पाया जाएगा जब ये किससे अटैच हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। इट इज फाउंड एट दैट पोजिशन वेयर अटैच विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब कि यह सिर्फ वहीं पर ही पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर यह किससे अटैच हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, जैसे कि एफ ओ एन, आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो फोन, ठीक है, लाइक फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, होती कि नहीं होती। फ्लोरीन 4.0, ऑक्सीजन 3.5 और नाइट्रोजन 3.0। तो इन तीनों से जब जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हाइड्रोजन जो फोर्स रहेगा सेकेंडरी फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे पानी के अंदर होता है H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन से, ठीक है। इसका मतलब वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है सीधा सीधा, तो वहां पर पॉसिबिलिटी किसकी बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इसलिए आप लोगों ने कई बार सुना हुआ कि कई बार नॉन पोलर कंपाउंड भी किसमें घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं, क्योंकि शायद वहां पर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। जैसे मैं बात करूं एसिटिक एसिड, भाई एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड इज अ टाइप ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, लेकिन फिर भी वो किस में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। मतलब एक नॉन पोलर मतलब पोलर में घुल जाएगा, मैंने आपको बताया था पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में घुलता है। उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कई बार ऐसा होता है कि नॉन पोलर भी पोलर में घुल जाता है, तो वो यही केस होता है क्या, कि वहां पर कुछ ना कुछ अलग टाइप का सेकेंडरी फोर्सेस लग रहे होंगे, तो इट इज द अट्रैक्शन फोर्स
ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि कंडीशन क्या है, ये सारी कंडीशन ही चल रही है। कोवेलेंट कंपाउंड में भी कौन सा, पोलार कोवेलेंट कंपाउंड। ऑक्सीजन किससे जुड़ा होना चाहिए, एफ ओ एन से जुड़ा होना चाहिए, फोन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम। और दूसरी बात, दूसरी बात यह कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिन एटम की ज्यादा है उनकी साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अटैच्ड एटम। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर आप इनको देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, लेकिन साइज, साइज सबसे कम किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। अगर आप साइज देखोगे तो फ्लोरीन की साइज इन तीनों से में सबसे कम होती है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, साइज क्या होती है, कम होती जाती है। तो फ्लोरीन की साइज सबसे कम होगी, तो साइज जिसकी कम उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा। ठीक है, या फिर आप दूसरे फैक्टर से देख लो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, आप किसी से भी देख लो, तो आपको ये याद रखना ही है। ठीक है, इस तरीके से हमें चेक करना है कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, दूसरी कंडीशन तो मैंने आपको बताई थी कि हमेशा किस में होगा, वो नॉन पोलार कोवेलेंट कंपाउंड्स में होगा, सॉरी पोलार कोवेलेंट कंपाउंड्स में होगा। नॉन पोलार कोवेलेंट कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं के बराबर होती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, इट इज द टाइप, इट इज द काइंड ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो तरीके से हो सकती है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप हो सकते हैं। ठीक है, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दो टाइप का होगा, एक होगा होमोमोलिक्यूल और होगा हिट्रोमोलिक्यूल। होमोमोलिक्यूल और हिट्रोमोलिक्यूल, ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है, होमोमोलिक्यूल क्या होगा, हिट्रोमोलिक्यूल क्या होगा, ठीक है, और ये किसका पार्ट है, इंट्रामोलिकुलर, सॉरी इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर अलग है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन टू डिफरेंट सेम मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल। ध्यान से देखो इसको क्या लिखा हुआ है मैंने, दो एक जैसे मॉलिक्यूल या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन टू डिफरेंट सेम मॉलिक्यूल, मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल हो लेकिन अलग अलग हो या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल ही हो, तो उनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे जैसे HF ले लिया मैंने, ठीक है, अब किसी भी कंटेनर में जब मैं HF लूंगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो भाई एक मॉलिक्यूल तो लूंगा नहीं मैं, है ना। मान लीजिए कोई कंटेनर भरा हुआ है, कोई बीकर भरा हुआ है, लेबोरेटरी में आप गए हो टेस्ट करने, एक टेस्ट ट्यूब आपने भरी, उसमें आपने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डाला, तो उसमें एक मॉलिक्यूल तो डालोगे नहीं आप ऐसे उठा के, तो
नहीं डालोगे, मतलब उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो उन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो बच्चों, ये HF इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा HF मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है, जब ये दोनों मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो किसकी वजह से आएंगे भाई, ये फ्लोरीन और इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ये हाइड्रोजन भी किससे जुड़ा हुआ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाएगा, एक तरीके से यहां पर एक बॉन्ड बनाएगा, एक अट्रैक्शन फोर्स बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और इस खुद के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में एक फोर्स जनरेट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगा, या तो दो सेम मॉलिक्यूल हो एक जैसे, या फिर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, या मान लो मैं इस HF को किसमें डाल दूं, पानी में, तो पानी का ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन ये भी किसमें होंगे, एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फर्स्ट टाइप है होमोमोलिकुलर होमोमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जैसा हम लोगों ने यहां पे देखा है ना, एक एग्जांपल HF देख लिया, दूसरा एग्जांपल देख लो आप, एक और देख लो। मान लीजिए मैंने लिया पानी, क्या लिया मैंने, पानी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने एक और ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने एक और ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने एक और ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से। तो भाई ध्यान रखो कि ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा, और यहां पर भी ये किसी और के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में जो है एक से ज्यादा H2O मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं एक पूरे कंटेनर में, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में अगर पानी भरूंगा तो एक मॉलिक्यूल तो आएगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे। तो H2O का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो देखो इस तरीके से बना रहा है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन किसी भी H2O मॉलिक्यूल का एक ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, चार हाइड्रोजन बॉन्ड रख सकता है, देखो एक दो तीन चार इस तरीके से, सॉरी इसको मैंने इससे जोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, क्लियर। तो बहुत इजी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप पढ़ना चाहें तो ये है आपके पास में होमो मॉलिक्यूल। अब मान लीजिए आपको देखना हो हिट्रो मॉलिक्यूल, तो हिट्रो मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि वहां पर दो डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो कैसे, मान लीजिए मैंने यहां पे लिया R O H, मैंने यहां पे लिया है R O H, इस तरीके से ले लो आप O R H, ये क्या है, एल्कोहल। कंडीशन फुलफिल हो रही है यहां पे, हाँ हो रही है। हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। दूसरा यहां पर मैं ले लूं पानी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वहां पर भी हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, मेरी शर्त मंजूर हो रही है, हाँ दोनों तरफ हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो पहली कंडीशन तो मेरी फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन यह है कि यहां पर इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन या फिर इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ में या फिर इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ में क्या रहेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स बनाएगा, क्योंकि भाई यहां पर एक ही आरओएच नहीं है, एक ही H2O नहीं है, ठीक है। जब किसी गिलास के अंदर पानी भर के उसमें एल्कोहल डालेंगे तो वहां पर एक से ज्यादा अणु आएंगे, हो सकता है आप इसका जो ये ऑक्सीजन है इसके हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बना रहा हो, ठीक है। हो सकता है यहां पे दूसरा मॉलिक्यूल हो वाटर का जिसके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा हो, ठीक है। हो सकता है ये इधर की साइड में कोई ROH होगा, यहां पर इधर की साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा हो सकता है ये इधर की साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा हो, ROH, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती रहेंगी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए, हर मॉलिक्यूल का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। दूसरा, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए, पोलार कोवेलेंट कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। नॉन पोलार के अंदर या फिर आयनिक कंपाउंड के अंदर ये नहीं पाई जाती, क्लियर। तो ये सारी चीजें थी किसकी, इंटर मॉलिक्यूलर की, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा हम लोग देखेंगे बच्चों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए भी क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से अटैच ही होना चाहिए या फ्लोरीन से या फिर नाइट्रोजन से, ठीक है। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन तो अटैच होगा ही होगा, और साथ में क्या हो सकता है, और साथ में यह हो सकता है इट इज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ओनली, यह सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, एक ही मॉलिक्यूल में पाया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल यह है कि मान लीजिए मैंने यह लिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, लेकिन ये ऑर्थो पोजीशन पर ही पाया जाएगा सिर्फ, ना मेटा ना पेरा, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, अब देखो यहां पर जो हाइड्रोजन है किससे अटैच है बच्चों, यहां पर जो हाइड्रोजन है किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, है कि नहीं है। देखो मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है। और यहां पर नियरेस्ट मॉलिक्यूल कौन है, यहां पर NO2, जिसके पास में क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस तरीके से। तो यहां पर क्या होगा, एक तरीके से इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, इन दोनों के बीच में क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपकी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, या तो सेम या फिर डिफरेंट, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। अब इसकी एक स्पेशल बात यह है कि यहां पर रिंग फॉर्मेशन होता है, इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग इज जनरेटेड, कैसे ये देखो आप, ये रिंग बन रही है ना, इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और यहां पर क्या बन गई, एक रिंग बन गई। इसको बोला जाता है किलेट, किलेट फॉर्मेशन, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये रिंग फॉर्मेशन जो है ज्यादातर किसमें पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या हो जाएगा यहां पर, किलेट फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर, किलेट फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। तो ये थी आपके पास में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सैलिसिलिडिहाइड है,
और ऑर्थो क्लोरोफिनोल है, 2,6 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइट है, इन सब के स्ट्रक्चर हम लोग बनवाएंगे, है ना। आईपीएससी में जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बनेंगे सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, तो वहाँ पर बता दूंगा मैं आपको, है ना। तो जहाँ जहाँ पर, जैसे एक और एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ, है ना, वरना आपके पेट में दर्द होगा। ये देखो, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया COOH और यहाँ पर मैंने ले लिया है NO2, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे ले लिया OH, या फिर मैंने यहाँ पे ले लिया F, ठीक है। तो आप किसी को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो इस तरीके से बनाओ, ये यहाँ पर OH है, यहाँ पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, और ये हाइड्रोजन किससे अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इटसेल्फ अटैच है, तो ये भी क्या बनाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किलेट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर, यहाँ पर भी आप कर सकते हो, COOH इस तरीके से रहता है, देखो COOOH, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन ऐसे ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा रहेगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये इसके साथ में क्या बनाएगा, किलेट फॉर्मेशन करेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, क्लियर। तो ये था हमारे पास में इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की, एक होमो मोलिकुलर और दूसरा हिट्रो मोलिकुलर, तीसरा हिट्रो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक ही मोलिकुल में होगा, वो बाकी इंटर मोलिकुलर किस में होंगे, दो अलग अलग मोलिकुल में होंगे, या तो एक जैसे या फिर डिफरेंट, क्लियर। ये थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स। कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो, और इनसे क्या इफेक्ट पड़ता है वो सारी चीज़ हम लोग इसकी पढ़ेंगे, ठीक है। इनसे इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी हम लोग देखेंगे। कल फिर से मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।